सुरेख चेंडू परेशियाचा डॉट पद्धतीचा चेंडू, धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या झाली ती एक चेंडू आणि एक धाव। हा सामना चार षटकांचा राहिल्याची दोन्ही संघाने नोंद घ्यायची आहे। सुरेख गोलंदाजी करतो म्हणजे परेश कोळी। पूर्ण एकदा ब्लॉक पद्धतीचे चेंडू फलंदाज होते बाद मोनीश, याला शून्यावर पडताळा लागते। पहिला हात राईटच्या पुरती वाशिया संघाला, सुरेख गोलंदाजी करतो तो म्हणजे परेश कोळी। आता मात्र फलंदाजीसाठी येतो सचिन रज्जक। दोन चेंडू आणि एक धाव, दोन दोन माफ करा। सुरेख गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे परेश। तो इस बीच योगेश भगत ग्यारह के बैट से वाइड डिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, चार रन निकले उनके बैट से और टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ सात पर। चार ओवर का मैच और जो ये मुकाबला जीतता है आज के दिन का सेमीफाइनल मैच खेलेगा। परेश कोहली पहला ओवर करते हुए, चार ओवर का मैच यानी इस मैच में सिर्फ एक ही स्पेल रहेगा इनका। ये ऑन साइड में इस बार लॉफ्ट किया बॉल को, ये भी कमाल की टाइमिंग, एक और सिक्स यहां पर गैरो के बैट से आज के दिन का निकलता हुआ मिड विकेट के रीजन में। इट्स ह्यूज एंड हैंडसम सिक्सर योगेश भगत गैरो के बैट से। ये बॉल थोड़ी सी काफी आगे कर बैठे यहां पर परेश, और जिसकी वजह से ओवर पिच की बॉल को ओवर द मिड विकेट छह रन के लिए भेजा है। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है तेरह पर, 13-13 पर स्कोर आगे पहुंचता हुआ। मोनीश आउट हुए इस मैच में काफी जल्दी, उनका जगह लेने आए सचिन रजक। ये बॉल लेग स्टंप को छोड़कर जाता हुआ वाइट का सिग्नल अंपायर विनायक का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 यानी 14 के कुल स्कोर पर। पहले ओवर में जितना रन कैलकुलेटिंग कर रहा था यहां पर वाशीगांव टीम उतने रन बन चुके हैं, 14 रन। दया से राउंड द विकेट परेश, ये बॉल थोड़ा शफल होकर खेलने का प्रयास था, मूवमेंट थोड़ा नजर आया स्टांस में जिसके वजह से परेश ने परखा हुआ और अंपायर विनायक से देखना कि लेग बाय रन है या बैट से रन है। लेग बाय रन यानी एक्स्ट्रा एक रन बैटिंग टीम के लिए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के खेल के बाद एक विकेट गिरा है इच्छापूर्ति वाशिगांव टीम का। स्कोर कार्ड पे रन है टोटल 15। प्रिय दर्शनी क्रिकेट क्लब बेलापुर आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। नितेश जी पाटिल हमारे ट्रॉफी सौजन्य, कैलाशवासी जगदीश कृष्णा जी पाटिल स्मरणार्थ ट्रॉफी यहाँ पर सौजन्य किया गया है नितेश जी पाटिल द्वारा। मैन ऑफ द मैच के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए आप देखते यहाँ पर मेडल रखा गया, और अब तक दो मैच में अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो एक मैच में देवेश जो कहीं ना कहीं बॉलिंग मार्क पर आपको नजर आएंगे, और पिछले मैच में योगेश। स्ट्राइक पर ग्यारह, अच्छी शुरुआत बैक ऑफ द लेंथ पटकी हुई लाइन और शॉर्ट पिच गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की इन्होंने।
सामने गैरो, पहली बॉल डॉट आता हुआ। दिवाली मस्तांग टीम इस मैच पर टॉस जीता यहाँ पर दिवाली टीम ने, और नयन ने बिना हिचकिचाहट के उन्होंने फैसला लिया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, यानी बारिश कभी भी आ रही है जा रहा है जिसकी वजह से ये निर्णय। दिवेश बॉलिंग मार्क पर, मिडल ओवर डालने वाले पहले बॉलर इस टूर्नामेंट के, ये देखना क्या निर्णय है अंपायर का। 1/4 ओवर ही दिया है अंपायर ने, यानी एक्स्ट्रा डिक्लेयर के तौर पर जो रन है वही सिर्फ एक रन। चलिए ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय है वही मान्य रहेगा। स्कोर का संख्या आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर अब आगे जा पहुंचा 16 के कुल योग स्कोर पर। दिवेश ओवर द विकेट, ये बॉल दूर से खेला था, ऑन साइड की तरफ बॉल जाता हुआ मिड ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नयन कोहली बॉल तक पहुंचते हुए, गैरो के बैट से एक सिंगल आया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर। इच्छापूर्ति वाशीगांव का कुल स्कोर, 4 ओवर का मैच। सचिन रजक अब स्ट्राइक पर है, सामने दिवेश ओवर द विकेट, तेज बॉल, गुड लेंथ की बॉल, हल्की सी स्किट हुई, अंदर पड़कर आया बॉल और पुल करना चाह रहे थे इस बार सचिन रजक, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉल थोड़ा सा अलार्म देते हुए सचिन रजक को विकेट कीपर के हाथों तक पहुंचा है। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी दिवेश की, पिछले मैच में जो अच्छा प्रदर्शन था वही कॉन्फिडेंस वही मोमेंटम के साथ बॉलिंग करते हुए। अगली बॉल एक बार फिर, इस बार बैट पहले थोड़ा सा स्विंग हुआ है जिसकी वजह से गेंद ठीक तरीके से बैट पर आया नहीं है, और ये भी लेग बाय ही रन होगा। यस अंपायर विनायक का भी वही सिग्नल, लेग बाय एक रन सचिन रजक, अब नॉन स्ट्राइक रन पर स्ट्राइक पर गैरो। ये मैच थोड़ा सा रोमांचक होने वाला है क्योंकि पिछला मैच जरूर एक तरफा था, लेकिन अब पहले और दूसरे मैच की विजेता टीम के बीच मुकाबला हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल मैच है। जो ये मुकाबला जीते तो आज के दिन का सेमीफाइनल मैच खेलेंगे दूसरे पोल से, जो टीम दो एक मैच अपना जीतकर, दो मैचेस जीतकर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मैच की विजेता टीम देखना कौन होंगे। स्कोर की बात करें, स्कोर है टोटल 18 रन स्कोर कार्ड। ओ क्लासिकल स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के रीजन में, गैरो स्पेशल शॉट ये, और योगेश भगत गैरो के बैट से लॉन्ग ऑन की रीजन पे सिक्सर। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, आखिरी बॉल पर थोड़ा सा रिक्स लिया और रिवॉर्ड मिला है 6 रन उनके बैट से। टीम का स्कोर 2 ओवर के खेल के बाद 24 पर। इच्छा पूर्ति वाशीगांव टीम, ओवर पिच की बॉल थी, लॉफ्ट किया गैरो ने, लॉन्ग ऑन पर नयन थे लेकिन दर्शक बने क्योंकि ये दर्शनीय स्ट्रोक था गैरो के बैट से। टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 24। 24 रन आफ्टर 2 ओवर। ओवर नंबर 3 में अब आए लेफ्ट आर्म पेसर हर्षल कोहली बॉलिंग मार्क पर, सामने राइट हैंडर बैट्समैन सचिन रजक जो अब तक थोड़े से स्ट्रगल करते आए। गैरो के बैट से रन निकल रहे हैं लेकिन इनके बैट से रन अभी तक निकले नहीं है जितना टीम ने उम्मीद की है। रजक स्ट्राइक पर है, सामने लेफ्ट आर्म बॉलर का इस्तेमाल किया गया अब दिवाले कप्तान द्वारा। लेफ्ट आर्म ओवर, पहली बॉल खींची हुई लेंथ थी, पुल करना चाह रहे थे लेकिन बॉल स्लो हुआ जिसकी वजह से बैट पर ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं है। सचिन रजक काफी डॉट गेंदे कर चुके हैं, अगर बैट से रन निकल ही रहे तो आपको गैरो को स्ट्राइक पिलानी चाहिए। एक सिंपल और बिल्कुल आसान थॉट प्रोसेस रखना चाहिए बैटिंग में सचिन रजक को। ये बॉल थोड़ा सा पैरों पर डालने का प्रयास था लेकिन लेग स्टंप के बाहर डाल बैठे। व्हाइट का सिग्नल अंपायर का, एक्स्ट्रा एक रन बैटिंग टीम के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 1 है। इच्छापूर्ति वाशी टीम का स्कोर 25 रन स्कोर कार्ड। हर्षल कोहली बॉलिंग मोर्चे पर, लेफ्ट आर्म बॉलर सामने राइट हैंडर, स्लोअर वन, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, वाइड डाल बैठे, वाइड यॉर्कर करना चाह रहे थे ये बॉल, और एक्स्ट्रा एक और रन इच्छापूर्ति वाशीगांव टीम के लिए आता हुआ। इस एक रन की मदद से टीम का टोटल स्कोर संख्या हो चुका है 26।
परेश थोड़ा सा समझाते हुए यहाँ पर गेंदबाज हर्षल को, पता है अगर ये ओवर अच्छा निकल जाता है तो दबाव आखिरी ओवर में इच्छापूर्ति वाशीगांव के बल्लेबाजों पर होगा, क्योंकि चार ओवर में कम से कम 40 से 45 रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे इच्छापूर्ति वाशीगांव टीम इस मैच में। सामने बॉलर हर्षल, फेस करेंगे सचिन रजक। इस बार में स्टाइमिंग स्ट्रोक है विकेट कीपर के ऊपर से डिक्लेयर जोन की तरफ, शेल्टन ऑफिस की तरफ ये बॉल गई है और सिर्फ एक ही रन आएगा। सिंगल की मदद से स्कोर संख्या अब 27 पर 27 स्कोर कार्ड। अगली बॉल हर्षल, ये बेहतर लेंथ, गुड लेंथ की बॉल थी, हाफ ट्रैकर कह सकते हैं इसे, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं यहाँ पर। सचिन रजक अब तक अपनी पारी में डॉट बॉल की बात करें तो टोटल 1 और डॉट बॉल आप पर आता हुआ सचिन रजक की बल्लेबाजी में। ये कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा सा बनाते जा रहे बल्लेबाज खुद और अपनी टीम के ऊपर, लेकिन हर्षल कोहली की तारीफ करनी होगी, चुपचाप ये ओवर धीरे धीरे से कंप्लीट कर जाने के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर ये ओवर। इस बार रुचि काफी गई है, कॉलिंग की आवश्यकता है, बॉलर खुद बॉल के नीचे और मुश्किल चांस है, पीछे की तरफ कैच पकड़ना काफी मुश्किल कैच होता है। ये 2 रन दौड़ कर लिया गया कैच का मौका था, लेकिन मुश्किल चांस, बॉलर पीछे की तरफ पलट कर कैच पकड़ना, मतलब बॉल दिखना थोड़ा कठिन होता है। ये कैचेस 5 में से 3 ही बार पकड़े जाते हैं, ओमन तो पर 2 बार कैचेस इस तरह के छोड़ते हैं। टीम का स्कोर है 29 इच्छापूर्ति वाशीगांव। ये बॉल मौका था 6 रन लगाने का, ये बॉल भी अगर आप मिस कर रहे हैं, बैट से रन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इच्छापूर्ति वाशीगांव टीम के लिए संकट की घड़ी है। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा, 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करती हुई टॉस हारकर इच्छापूर्ति वाशीगांव, स्कोर है 29 पर 1 इच्छापूर्ति वाशी। 3 ओवर के बाद 29 रन, लास्ट ओवर अब देखना किसे दिया जाएगा। अर्शन कोहली ने अच्छी बॉलिंग की है, हल्की हल्की फिर से बारिश की शुरुआत हो रही है। 29 रन, थोड़ा स्पीड अप करना है दिवाली टीम, नयन थोड़ा स्पीड अप करें। यश ओवर डालने आएंगे लास्ट ओवर, जिन्होंने पिछले मैच में 22 रन डिफेंड करने थे और किया भी अपनी टीम के लिए वाशी बॉयज के खिलाफ, और दिवाली टीम ने वो मैच 5 रन से जीता। 29 रन इच्छापूर्ति वाशीगांव का टीम का स्कोर है। इस ओवर में मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 15 रन बनाने की कोशिश करेंगे 11, अगर 15 रन नहीं बनते तो कहीं ना कहीं फिर गेंदबाजों के लिए मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि रबर बॉल क्रिकेट है, 4 ओवर में 40 से 45 रन चाहिए आपको अगर डिफेंड करने दो। सामने यश कोहली बॉलिंग मार्क पर, फेस करेंगे 11। 3 ओवर के बाद 29 पर 1 टीम इच्छापूर्ति वाशीगांव। स्ट्राइक है 11 के पास, कोशिश ये रहेगी 6 के 6 बॉल अपने पास रहे। पहली बॉल तीखा बाउंसर पहली बॉल, रन लेने के लिए मना किया और डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत हुई है। अगर ये रन ले लेते तो शायद सचिन रजक के पास स्ट्राइक आता, जो कि अब तक बैटिंग में उतना धार नजर नहीं आया उनकी बल्लेबाजी में, डॉट बॉल ज्यादा उन्होंने बल्लेबाजी करते समय अर्जित किया, जिसकी वजह से टीम नहीं चाहेगी कि स्ट्राइक सचिन के पास हो, स्ट्राइक ज्यादा ज्यादा गैरों के पास हो, यही कोशिश। लेकिन यश ने अच्छी शुरुआत की इस ओवर में, बाउंसर के साथ तीखा जवाब दिया है गैरों को, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये बॉल भी अच्छी, बॉडी की तरफ बाउंस, यहां पर बॉल आया तेज बॉल, बैकफुट पे जाकर खेलना चाह रहे थे गैरो, लेकिन लेट आए बॉल पर, डॉट बॉल।
यश कोहली लेफ्ट आर्म बॉलर है, युवा बॉलर, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी अपनी टीम को जीत दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी, कॉन्ट्रीब्यूशन। अगली बॉल, ओ बॉल, ये बॉल पढ़कर नीचे रहा, उड़ा ही नहीं बॉल है, सबमरीन डिलीवरी। ऐसे बॉल पर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, और गैरो भी वही स्थिति नजर आई है। दो गेंदे डॉट, तीसरी बॉल पर विकेट, यानी इस ओवर में अब तक यश ने एक भी रन दिया नहीं है। ये कमाल का स्पेल और कमाल का ये ओवर अब तक रहा दिवाली टीम के लिए, और टीम का स्कोर वाशीगांव का अभी भी रुका हुआ है 29 पर। दो खिलाड़ी आउट, कप्तान का विकेट खोया है, गैरो आउट होते हुए यहाँ पर। नए बैटर कार्तिक अब आए बल्लेबाजी करने के लिए। अब तो आर या पार की स्थिति है, क्योंकि अब यहाँ से आप सिंगल डबल की सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोच और स्कोर थोड़ी सोची छोटी रह जाएगी। बड़े स्ट्रोक तलाशने होंगे यहाँ पर कार्तिक और सचिन रजक को बची हुई गेंदों में। इस इनिंग की अगर बात करें तो तीन गेंदे अभी भी शेष है। पिछले मैच में मिडन ओवर डाला था दिवेश ने, इस मैच में चौथे ओवर में अब तक तीन बॉल में एक भी रन नहीं आया है, और पिछले मैच में भी वो चौथा ओवर ही मेडन ओवर था, और ये भी चौथा ओवर ही है, तीन बॉल में अब तक एक भी रन नहीं आया है। विकेट लिया यहाँ पर यश कोहली ने, गैरो का इंपॉर्टेंट विकेट। ये बॉल लीडिंग एज, सिर्फ एक ही रन आया है, कमाल का बॉलिंग रहा है अब तक इस मैच में। इंपॉर्टेंट ओवर यश कोहली लेकर आए थे, और अब तक चार बॉल में सिर्फ एक ही रन दिए। टीम का स्कोर, गैरो की टीम का स्कोर अब जा पहुंचा इच्छापूर्ति वाशीगांव का 30 रन। कार्तिक लेफ्ट हैंडर, सामने लेफ्ट हैंडर बॉलर है, कहते हैं जब लेफ्ट हैंडर बॉलर होता है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होता है, पलड़ा बैट्समैन का भारी रहता है, लेकिन अब तक ले भारी बॉलिंग की है यश कोहली ने। एक और डॉट बॉल, जॉन्टी कोहली इस तरह की गेंदे कहाँ छोड़ने वाले, उन्होंने भी गेंद को स्टॉप किया है। पाँच बॉल और सिर्फ एक ही रन आया है इस ओवर में बैट से। एक और लाजवाब स्पेल रहा। लास्ट बॉल, सचिन रजक ने जाकर वहां पर एक या दो रन लेने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बैट घुमाइए, अब समय नहीं है। ये बॉल जरूर एक्स्ट्रा रन मिला है इच्छापूर्ति वाशीगांव टीम के लिए, एक्स्ट्रा रन आया है। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31-31 पर, लेकिन आने वाला यह आखिरी बॉल होगा इस इनिंग का। लास्ट बॉल, कार्तिक के पास स्ट्राइक है, यश के पास अब तक इस ओवर में देखा जाए तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है, यश को सिर्फ एक बॉल डालना है। एक्स्ट्रा रन अगर नहीं देते हैं इस आखिरी बॉल पर तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा है अब तक दिवाले गांव के गेंदबाजों का। आखिरी बॉल पर करारा शॉट, फ्लैट शॉट, गैप पे शॉट, अंपायर का सिग्नल, विनायक का यस, इट इज अ सिक्सर। कार्तिक ने यहां पर जो काम करना था, जिस काम के लिए भेजा गया था, वही काम किया है। लास्ट बॉल पर 6 रन आया है यहां पर। वाशीगांव टीम अब थोड़ी सी खुश नजर आ रही है, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर टीम ने यहां पर अर्जित किया है, और टीम का स्कोर है 37, यानी चार ओवर में आज सेमीफाइनल में अगर जगह बनाना है तो दिवाले टीम को बनाने होंगे 38 रन। 37 रन वाशीगांव टीम का स्कोर है, 38 रन का लक्ष्य दिवाले टीम के लिए। लास्ट बॉल गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, ये गोल्डन सिक्स साबित हो सकता है सेकेंड इनिंग में। कार्तिक के बैट से 6 रन आया आखिरी बॉल पर।
38 का टारगेट इस मैच में रखा गया दिवाले मस्तांग टीम के लिए 38। और अगर ये मैच जीतते हैं तो शायद शाम के समय आधा दिवाले गांव आपको नजर आएगा इस मैदान पर। प्रियदर्शनी क्रिकेट क्लब बेलापुर आयोजित प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम। प्रियदर्शनी क्रिकेट बेलापुर 11 पूरे 11 टीम ने एक अच्छा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में। और कहीं ना कहीं इस रबर बॉल नवी मुंबई में पावसली स्पर्धा का ये आखिरी प्रतियोगिता, इसके बाद गणेश उत्सव, फिर उसके बाद दशहरा नवरात्रि, फिर उसके बाद फिर टेनिस सीजन चालू होगा। और अनाउंसमेंट आयोजक की तरफ से किया जा रहा है कि टेनिस का जब शुभारंभ होगा, आगमन होगा सीजन का, तो प्रियदर्शनी क्रिकेट क्लब बेलापुर के माध्यम से आयोजन आप देखते हुए नजर आएंगे। गैरो बॉलिंग मार्क पर, सामने नयन कोहली, ये अच्छा बैटल है, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैटिंग टीम का और दूसरी तरफ टीम का कप्तान, वाशीगांव टीम को 38 रन डिफेंड करने हैं। पहली बॉल वेरी फर्स्ट ओवर नयन के लिए, बॉल बैकफुट पे जाकर खेलने का प्रयास था, बॉल पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहता हुआ और अंपायर विनायक ने अच्छी अंपायरिंग की, उनका साथ देते हुए करण आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग अंपायरिंग की भूमिका में, एक रन बैट से। ट्रॉफीज आप देख सकते हैं चमचमाती हुई, एक सिल्वर कॉम्बिनेशन ट्रॉफी और सीरीज बेस्ट बैट्समैन और बॉलर के लिए गोल्डिश कलर आप देख सकते हैं। चलिए बैटिंग टीम ने यहाँ पर थोड़ा सा बॉलर के बॉलिंग एक्शन पर ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसके से कमिटी की तरफ से एक अब देखते सिद्धू कोहली, एक एक्सपीरियंस और अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के बेलापुर गांव के, वह जाते हुए थर्ड अंपायरिंग की भूमिका के लिए। अब देखना है कि गैरो का हाथ ठीक तरीके से 360 रोटेट हो रहा है नहीं। नयन ने ऑब्जेक्शन उठाया, पहली बॉल पर एक रन आया, खाता खोला यहाँ पर टीम का। पिछले मैच में नयन ने 34 रनों की पारी खेली थी जब टीम संकट में था, शुरुआत में विकेट्स गिरते गए, लेकिन नयन और विजू ने अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किया, जिसकी वजह से टीम ने कहा कि आप दोनों ही जाइए बैटिंग करने के लिए, अगर शुरुआत में दो ओवर में अगर कोई दूसरे बैट्समैन अगर रन बनाते नहीं है तो आखिरी दो ओवर में रन बनाना कठिन हो जाएगा। और मैं कहूँगा ये पॉजिटिव सोच है, अच्छी सोच है दिवाली टीम की, जिन बैट्समैन के बैट से रन निकल रहा है उनको ही बैटिंग के लिए भेजा है। चार ओवर में 38 का लक्ष्य, गैरो क्या इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब होंगे, एक सवाल आज जरूर है। चलिए बॉलिंग के लिए एक बार फिर तैयार होते हुए अब थर्ड अंपायरिंग की भूमिका में वहां पर सिद्धू कोहली, ऑब्जेक्शन उठाया था नयन ने बॉलिंग एक्शन पर। ये बाउंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, देखना होगा 1/4 दी ओवर दिया है, अंपायरिंग अच्छा रहा है अब तक आज, भले ही कई खिलाड़ियों ने सवाल उठाया अंपायर के कई डिसीजन पर, रबर बॉल क्रिकेट में अंपायरिंग करना इतना आसान होता नहीं, लेकिन अब तक प्रियदर्शनी क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों ने अच्छी अंपायरिंग की है। सुबह हमने देखा ऋषि ने अंपायरिंग किया, विनायक कर रहे हैं, करण अब इस मैच में आप देखते हैं अंपायरिंग कर रहे हैं। नयन कोहली के पास स्ट्राइक है, सामने गैरो जो विकेट चटकाना जानते हैं, स्पेशली ऐसे जो क्रूशल मैचेस में इनको एक्सपीरियंस काफ़ी है परिस्थितियों का कि बॉलिंग कैसी करनी चाहिए, कैसे बल्लेबाज के खिलाफ। इस बार पुल किया था, तेज शॉट था ये, लेकिन जिस रीजन में बॉल गया है वहाँ पर रन मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल की मदद से स्कोर संख्या आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुँचा है 2 पर। बारिश थोड़ा सा रुका हुआ है और दिवाली टीम यही कोशिश करेगी बारिश आने वाले 3 ओवर तक और रुके रहे, अगर ये बारिश रुक जाता है तो कहीं ना कहीं 70% ये मैच उनकी झोली में। गैरो राइट एम राउंड, ये टॉप एज हवा में बॉल है, कैच क्या पकड़ेंगे वहां पर, विजय खर से अच्छा कैच, डेविड वार्नर जैसा कैच पकड़ा है, कंगारू प्लेयर जैसे कैचेस पकड़ते बिल्कुल उसी स्टाइल में। और नयन कोहली पिछले मैच के हीरो इस मैच में
आउट होकर जा रहे हैं सिर्फ एक रन बनाकर। पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करते नजर आए लेकिन इस बार एलिवेशन मिला नहीं, शॉट में ऊंची काफी गई और कहीं ना कहीं अगर ताकत और होता, टाइमिंग अच्छी होती, रबर बॉल क्रिकेट आपको सिर्फ टाइम करना होता। अच्छा, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, पंच अच्छा है, सटीक प्लेसमेंट है शॉट सिलेक्शन में, तो आपके ज्यादा से ज्यादा रन मिलने के आसार होते हैं। लेकिन एक रन बनाकर नयन कोहली इस मैच में आउट हुए और टीम को लगता है दो के स्कोर पर यह पहला झटका। नयन कोहली बैक टू द पवेलियन। जयेश कोहली यानी जॉन्टी अब गए बैटिंग करने मैदान पर। चर्चा कर ही रहे थे गैरो इस तरह की सिचुएशन पे विकेट्स लेना जानते हैं और बड़ी विकेट ली है, नयन कोहली का विकेट गिरा है और कहीं ना कहीं अब एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है विजू कोहली, उन पर थोड़ा सा दारोमदार बढ़ गया है। विजू कोहली कई मैचेस में हमने देखा है जब टीम संकट में होती है, जब स्थिति 15-4, 10-4 होता है, तो ये आकर अपना एक अच्छा रोल, अच्छे रन बनाकर जाते हैं अपनी टीम के लिए। और कई वर्षों से दिवाले क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं, वही वजह है कि अभी भी पूरी टीम का, पूरे गांव का इस खिलाड़ी पर भरोसा है। और अब भरोसेमंद एक और खिलाड़ी जॉन्टी कोहली, जयेश कोहली बल्लेबाजी करने अब आए हैं मैदान के अंदर, सामने गैरो डांस राउंड द विकेट। ये बॉल पढ़कर उड़ा ही नहीं है। देखिए गैरो भी ऐसे ही आउट हुए थे और जॉन्टी भी कह रहे कि कहीं मेरे साथ भी वैसी वाली कहानी ना दोहराई जाए। ये बॉल पढ़कर थोड़ा सा नीचे रहा है तो थोड़ा सा कठिन हो रहा है, जब बॉल देखा जाए जो बारिश नहीं हो रही है तो बॉल थोड़ा फंस कर आ रहा है, बॉल कहीं थोड़ा बाउंस ज़्यादा हो रहा है, कहीं बॉल थोड़ा पढ़कर नीचे रह रहा है। ये रबर बॉल क्रिकेट में होता है ऐसा, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते इसमें कि बैट पर बॉल नहीं आ रहा ठीक तरीके से। ये बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रहा, दिशा थोड़ा सा खराब, शायद बाउंसर डालना चाह रहे थे, बॉल थोड़ा सा बैट्समैन के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश थी लेकिन वाइड डाल बैठे। एक्स्ट्रा एक रन, एक्स्ट्रा रन की मदद से टीम का स्कोर अब है वाशीगांव का 3 पर। वाशीगांव के खिलाफ दिवाली टीम का स्कोर अब 3 पर है, 38 रनों का टारगेट। वो आखिरी बॉल पर जो सिक्स लगाया कार्तिक ने, वो गोल्डन सिक्स साबित हो सकता है अगर इस मैच में भी दिवाले गांव की टीम की तरह बॉलिंग करते हैं अगर वाशीगांव की टीम। तो सामने जॉन्टी एक्सपीरियंस बैट्समैन राइट एम राउंड, ये शॉट अच्छा है, फ्लिक किया है, गैप में है या नहीं, पीछे पीछे अनबिलीवेबल कैच। देखिए अगर इस तरह के कैचेस अगर फील्डर पकड़ ले तो इसमें कहीं ना कहीं जॉन्टी की गलती नहीं है, दिन आपका खराब है ये कह सकते हैं कि दिन, लेकिन विजय खड़से का लाजवाब है। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की और इस मैच में अब तक दो अच्छे कैचेस पकड़ा है विजय खड़से ने, अब जा रहे बॉलिंग मोर्चे पर और ये बड़ा विकेट साबित हो सकता है जॉन्टी कोहली का। अब जॉन्टी कर ही कह सकते हैं, शॉट अच्छा था, गैप में खेलना चाह रहे थे लेकिन फील्डर के हाथ में चिपक गया है बॉल, अब मुश्किल में है टीम दिवाले। अब ये कह सकते हैं मैच बन गया है, अब 3 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 3 रन के स्कोर पर। हर्षल कोहली, हर्षद कोहली अब जा रहे मैदान पर। वाशीगांव के विजय खड़से ने सरप्राइज किया सभी को एक कैच पकड़कर। कैचेस विन द मैचेस क्यों कहते हैं, अगर इस तरह के कैचेस आप पकड़ लेते हैं तो ना तो सिर्फ मैच बनाते हैं, पूरा खिलाड़ियों का मनोबल उठाते हैं आप। वही किया विजय खड़से ने, बैकफुट पे जाकर यहाँ पर पंच किया, इस बार बैकफुट पॉइंट की रीजन में खेलना चाह रहे थे। विजू कोहली के बैट से सिंगल आया है, नए बैटर हर्षद कोहली अब स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ दिवाली मस्तांग टीम का 4 पर 2। मिड विकेट पर एक अच्छा कैच जिसकी वजह से जॉन्टी का विकेट, फिर से पहले नयन आउट हुए। अब कहीं ना कहीं ये मैच बन गया है, वाशीगांव टीम दावा ठोक रही है कि हम 38 रन भी डिफेंड करेंगे, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी फील्डिंग अच्छी है। भले इस मैच में हमने बैटिंग साधारण किया है, 40+ बॉलर आप देख सकते, हीरामन पाटिल का एक ओवर जरूर होगा जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। विजय खड़से सामने
ये बॉल थोड़ा सा बाउंस कम हो रहा है और इस इनिंग में ज्यादा करके हमने देखा है। और देखना क्या विकेट कीपर गैरो ने इस बॉल को मिस किया है। जी बिल्कुल, अंपायर ने एक रन डिक्लेयर के तौर पर घोषित किया, 22 एक रन है, यानी ना सिर्फ बैट से एक्स्ट्रा के तौर पर एक रन आया है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 5 के कुल योग स्कोर पर। विजय खड़से की अगली बॉल, ओ अच्छा बॉल था, अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाह रहे थे, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लगाने की कोशिश ऑन साइड में, लेकिन गुड लेंथ पे बॉल पड़ने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकला है। विजय खड़से बॉल थोड़ा गीला करके डाल रहे जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा स्विंग मिल रहा है। ये अच्छा शॉट है, ये कवर के रीजन में कमाल का शॉट है, हर्षद कोहली के बैट से मानो निकला ये गोली है। मिड विकेट के रीजन में ऐसा लगा शॉट खेलेंगे, लेकिन कवर की दिशा में सुपर से ऊपर, इस बार कवर के ऊपर, वेल डन हर्षद कोहली। टीम के स्कोर की बात करें, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 11 पर। शॉट देखिए, कमाल का शॉट था, ये सिक्सर नहीं था, चाटा लगाया था। गेंदों की बात करें, इस ओवर में अब तक 4 बॉल हुआ है। ये कहीं ना कहीं हर्षद कोहली के बैट से गोली निकला है। टीम का स्कोर 11 पर। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन बच गए, जान में जान आया है, एक ही रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 पर। और आज के दिन में आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि सूरज की किरणें थोड़ी सी यहां पर अपनी दस्तक दे रहे हैं। फाइनली धूप खिला है, लेकिन एक सिक्सर मिला है हर्षद कोहली के बैट से कवर के ऊपर से, क्या शॉट था, हुआ ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था। गैरो ने भी तारीफ की उस शॉट की, और पीछे फील्डर थे, फ्लैट बैटेड स्ट्रोक था हुआ। टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन, अब जीतने के लिए 26 रन चाहिए। यहां से दिवाली टीम को 26 रन चाहिए, 38 का लक्ष्य है, 12 रन बन चुके हैं, पार्टनरशिप की जरूरत विजेंद्र कोहली और हर्षद कोहली। सामने विजय खड़से, ये थोड़ा सा आधा अधूरे मन से शॉट खेला था, लेकिन टाइमिंग लाजवाब, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से हर्षद कोहली के बैट से निकलता हुआ एक और सिक्सर। कड़क बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग, टीम संकट में खड़ा था तब ये खिलाड़ी खड़ा हुआ अपने टीम के लिए, और हर्षद कोहली के 2 सिक्सर ने पूरी टीम के लिए यहां पर थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने वाला काम किया है। अब जीतने के लिए 20 रन चाहिए यहां से दिवाली टीम को। पंद्रह रन आए इस ओवर में, यानी विजय खड़से के सेकंड ओवर में उनके स्पेल में 15 रन आए। अब जीतने के लिए यहां से 20 रनों की आवश्यकता। गेंदे शेष है 12, 12 बॉल 20 रन, आज सेमीफाइनल में कौन जगह बनाएगा, इच्छापूर्ति वाशिगांव या दिवाले मस्तांग टीम। 12 बॉल 20। कड़क बैटिंग बाय हर्षद कोहली, ये कहेंगे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब बॉलिंग मार्क पर कार्तिक आए हैं, ये कमाल का मैच होने वाला है। ये मैच ऊपर नीचे जैसे बॉल हो रही है, पिच के ऊपर एक बॉल बाउंस हो रही है, एक बॉल नीचे हो रही है, वैसा ये मैच अब तक रहा है। एक ओवर में वाशिगांव का पलड़ा भारी था, पहले ओवर में सिर्फ गैरो ने 3 रन दिए थे, और इस ओवर में गजब का यहाँ पर प्रदर्शन रहा हर्षद कोहली का। बैट से 2 सिक्स, और अब जीतने के लिए 12 बॉल में चाहिए 20 रन। एक एंड पर एक्सपीरियंस है, दूसरे एंड पर युवा बॉलर यानी कार्तिक बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म बॉलर, सामने राइट हैंडर। पहली बॉल वाइड भी है और शायद एक्स्ट्रा एक और रन भी हो सकता है, देखना अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं वहां पर। विनायक के फाइनल डिसीजन का इंतजार हमें, एक रन तो कंफर्म है। चलिए, कमेटी के हमारे यहाँ पर साहिल दिवेकर है, एक्शन रिप्ले में आइए देख लेते हैं। 2023 का जमाना है, टेक्नोलॉजी है तो इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब के माध्यम से।
तो नो बॉल का निर्णय है, कमिटी का डिसीजन आया यहाँ पर, और नो प्लस वन, अगली बॉल फ्री हिट। अब 18 रन चाहिए, 18 रनों की आवश्यकता दो ओवर में जीतने के लिए। अब 18 रन चाहिए, अगला बॉल फ्री हिट है, ये तो सोने पे सुहागा है विजू कोहली के लिए। चला जी एरिटिका गाड़ी है तो काढ़ा जरा प्लीज। फ्री बॉल विजू के लिए, मोरिया बॉयज बेलापुर और मचिंद्र स्मृति दारावे टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। दारावे टीम के कैप्टन और मोरिया बॉयज बेलापुर, कार्तिक के ऊपर अब दबाव है क्योंकि बिना गेंद डाले उन्होंने अब तक दो रन दे दिए, और ये फ्री बॉल होगा। कार्तिक लेफ्ट आर्म ओवर, हवा में बॉल है, कैच पकड़ते भी है तो बैट्समैन सेफ होगा क्योंकि ये फ्री बॉल है। एक रन आया है, यही तो होता है फ्री बॉल, आप अपने मन पसंदीदा तरीके से आप शॉट लगाइए। फ्री की बॉल जब होती तो बैट्समैन तभी आउट हो सकता अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो या रन आउट हो या हैंडलिंग द बॉल हो, नियम है क्रिकेट के। अब जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता 11 गेंदों में। हर्षद कोहली जिनके बैट से एक डीप स्क्वायर लेग पर सिक्स देखा, जिनके बैट से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक सिक्स देखा हमने, यानी 360 बैटिंग अब तक की हर्षद कोहली ने। अब 11 बॉल में जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। स्क्वायर कट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइट, अंपायर विनायक का निर्णय वाइट, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, अंपायर का निर्णय जो रहेगा वही नियम रहेगा। टूर्नामेंट शुरुआत होने से पहले हमने कहा था अंपायर निर्णय फाइनल डिसीजन, रिव्यू नहीं है यहां पर। ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा, इतना एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है टीम। चले अंपायर डिसीजन वाइट है तो वाइट ही है। अब 16 रन चाहिए जीतने के लिए, 16 रनों की आवश्यकता, 16 रन चाहिए अब 11 बॉल में, 11 गेंदे 16 रन। चलिए कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है, अंपायर पर दबाव मत बनाइए, कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट है। ग्यारह बॉल जीतने के लिए अब 16 रनों की आवश्यकता, 11 बॉल 16 का इक्वेशन। हर्षद कोहली के पास स्ट्राइक है जिनके बैट से इस पारी में अब तक हमने दो सिक्सर देखा। 11 बॉल 16 रन, चलिए धन्यवाद वाशी गांव टीम कोऑर्डिनेट करने के लिए, नितिन सुतार। 11 में 16 चाहिए स्ट्राइक है हर्षद के पास, बॉलिंग कर रहे कार्तिक। फील्डिंग टीम को विकेट चाहिए, बैटिंग टीम को बस दो अच्छे स्ट्रोक लगाने हैं 11 बॉल में। आउटसाइड एज, एक रन बैट से डिक्लेयर की रीजन में गया, यानी अब जीतने के लिए 15 रन चाहिए 10 बॉल में, 10 गेंदे 15 का इक्वेशन। लास्ट ओवर हीरामन पाटिल डालेंगे, लेकिन कम से कम उनके ओवर के लिए 10 रन तो बचना चाहिए, वाशीगांव टीम की ये सोच। लेकिन सोच कैसी हर्षद कोहली की वह देखना होगा, क्योंकि इनकी सोच इस मैच में अब तक जबरदस्त नजर आई है। क्योंकि लो स्कोरिंग में बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं, चार ओवर में 50-60 रन बन जाते हैं, लेकिन चार ओवर में 38 रन बनाना कई बार कठिन हो जाता है। एक और अच्छा स्ट्रोक, गैप में शॉट है, पीछे फील्डर और अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के द्वारा, रन आउट का चांस भी मिस हुआ वहां पर, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर में। हर्षद के बैट से एक्स्ट्रा कवर की रीजन में दो रन आए, अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं। टोटल आप देख सकते हैं 13 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों में, 9 गेंदों में 13 रन चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए, दूसरी जीत दर्ज करने के लिए दिवाले मस्तांग टीम को। सामने इच्छापूर्ति वाची गांव टीम, क्या कमबैक करेंगे, 9 गेंदे 13 रन, भाई तेरा या मेरा किसका मैच होगा, 13 रन चाहिए अब 9 गेंदों में।
तो 9 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक है हर्षद के पास। ये डॉट बॉल है ऐसा मानना अंपायर का। चलिए अब विजू कोहली अंपायर पर थोड़ा सा अपना निराशा दिखा रहे हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन वही फाइनल डिसीजन होगा। न्यूट्रल अंपायरिंग रही है। आठ गेंदे 13 रन का इक्वेशन। अब 8 गेंदों में 13 रन चाहिए। अब ये अच्छा शॉट है, ये कलक शॉट। यस इट इज अ सिक्सर। व्हाइट इज लोगो के रीजन में हर्षद कोहली के बैट से एक और गोली, 6 रन आउट ऑफ द पार्क। अब जीतने के लिए रन बनाने यहां से 7। सबका साथ सबका विकास। 7 रन चाहिए। अब दबाव वाशीगांव के टीम के ऊपर। अब 7 बॉल में 7 रन चाहिए। 7 गेंदों में 7 रन। क्या आखिरी बॉल डॉट आएगा कार्तिक के द्वारा? और डॉट करना होगा अगर इस मैच को थोड़ा सा बनाना है इच्छा पूर्ति वाशीगांव टीम को। लेकिन हर्षद कोहली जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, बेधड़क पारी खेल रहे, कड़क बैटिंग कर रहे हैं। 3 सिक्सर उनके पारी में अब तक। ये बॉल खड़े खड़े खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। और अब जीतने के लिए 6 बॉल में 7 रन चाहिए। आखिरी ओवर कौन डालेगा, हीरामन पाटिल या किसी और को ओवर दिया जाएगा? लास्ट बॉल, डॉट आया है। अब 6 बॉल में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल 7 रन। आखिरी ओवर किसको देते हैं यहां पर, नितिन सुतार को या हीरामन पाटिल को? नितिन सुतार की तरफ गए गैरो। नितिन सुतार की तरफ गए गैरो। अब 6 बॉल में चाहिए 7 रन। चला मोरिया बॉयज बेलापूर टीम शेवटचा कॉल असेल आणि सचिन जी नाईक यांना विनंती असेल नाणेफेकीसाठी या दादा मच्छिंद्र स्मृती दारावे। वन टीम वन ड्रीम। मोरिया बॉयज कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या। पुल करने का प्रयास, लेकिन आता हुआ डॉट बॉल। 5 बॉल में अब जीतने के लिए 7 रन चाहिए। मैच है अभी भी। नितिन सुतार है तो कहीं ना कहीं हलचल मचाते हैं कई बार, और वह कर सकते हैं। लेकिन सामने एक्सपीरियंस विजेंद्र कोहली। 5 बॉल 7 रन कंपलसरी। ओहो, आज दिवाले गांव, आधा दिवाले गांव आपको शाम के समय नजर आएगा, क्योंकि अब जीतने के लिए सिर्फ 1 ही रन चाहिए 4 बॉल में। विजेंद्र कोहली के बैट से ये कहीं ना कहीं बड़ा सिक्सर लॉन्ग ऑन के रीजन में। एक रन चाहिए अब जीतने के लिए सिर्फ। लंबे अरसे बाद दिवाले गांव के लिए खुशी आई है। अब एक रन चाहिए खाली। चार बॉल एक रन कंपलसरी चेस। विजेंद्र कोहली को एक सिंगल लेना है। पुश करो खुश रहो। ये बॉल डॉट। अब 3 बॉल में, 3 बॉल में जीतने के लिए 1 रन चाहिए। 3 बॉल 1 रन। तीन बॉल पर 1 रन की आवश्यकता। नितिन सुतार लेफ्ट आर्म ओवर, इनसाइड आउट, मैच फिनिश। विजेंद्र कोहली ने और दिवाले मस्तांग टीम ने दिखा दिया। ये टीम की ज्यादा एंट्रीज नहीं होती, लेकिन जब भी होती है रॉयल एंट्री होती है। अभिनंदन दिवाले गांव, 2 जीत के साथ आज सेमीफाइनल में पहुंचती हुई टीम। और आज अगर आखिरी मैच भी जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिवाले गांव में एक ट्रॉफी पक्की हो जाएगी। मैन ऑफ द मैच इस मैच के हर्षद कोहली।